नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक खबर आई थी जो हमने आपको दिखाया था सबसे पहले कि मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है उनकी पार्टी की एक गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत था और उस ड्राइवर ने जाकर टक्कर मार दी राजभवन की गाड़ी में। जी हाँ, राजभवन की गाड़ी में, जिसमें राजभवन के अधिकारी भी बैठे हुए थे। उसके बाद तो खूब बवाल हो गया और जो ड्राइवर नशे में था और नशे में धमकी भी दे रहा था राजभवन की गाड़ी का ड्राइवर को और कह रहा था कि मैं मुकेश सहनी की पार्टी का ड्राइवर हूँ, उनकी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, कुछ इस तरह की बातें कहता हुआ वो दिखा था। नशे में धुत था ड्राइवर, वीआईपी की पार्टी की प्रचार गाड़ी थी, आप देख सकते हैं, कल हमने आपको दिखाया भी था ये खबर जो दिखाया था। उसके बाद गाड़ी और ड्राइवर दोनों चले गए पुलिस के कब्जे में, गाड़ी को कब्जे में ले लिया पुलिस ने और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया शास्त्री नगर थाना पुलिस में। ये घटना हुई थी, पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का इलाका है और राजभवन के आसपास ये घटना घटी थी। उसके बाद बवाल बच गया और बार ये खबरें आने लगी कि अब जब मुकेश सहनी की पार्टी में जो ड्राइवर है, जिनकी उनकी गाड़ी जो उनके प्रचार उनकी पार्टी का प्रचार गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर नशे में धुत था, यानी शराबबंदी की धजिया उड़ाई गई मुकेश सहनी की पार्टी के अंदर। जो नीतीश कुमार का जो मुख्य प्रोजेक्ट है शराबबंदी, जिस पर काफ़ी वो संजीदा हैं, उसकी धजिया उड़ा दी गई मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से, वीआईपी की तरफ से। ड्राइवर पीकर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था दिन दहाड़े। उसके बाद अभी और भी खुलासे हुए हैं आज, अब आपको वो बता रहे हैं। कल तो ये खुलासा हुआ और आज ये खुलासा हुआ, जो गाड़ी का नंबर है दरअसल वो गाड़ी का नंबर नहीं है बल्कि ऑटो का नंबर है। जी हाँ, ऑटो के नंबर पर पार्टी की प्रचार गाड़ी चल रही थी, यानी झोल झाल पूरा है। कल भी झोल निकला, ड्राइवर नशे में धुत होकर दिन में गाड़ी चला रहा था और गलती से टकरा गया राजभवन की गाड़ी में। अब जब बड़ा उतने बड़े जगह की गाड़ी से टकरा गया तो सारा मामला खुलना था ही, पूरी कुंडली खुलनी ही थी, तो कुंडली खुल रही है। और अब आज ये खुलासा हो गया है कि ऑटो का नंबर बोलेरो में लगा दिया गया, ये जो प्रचार गाड़ी है बोलेरो गाड़ी है और ऑटो के नंबर पर चल रही है। जी हाँ, आप नंबर देखिए, जो ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर पर है, जो वीआईपी की प्रचार गाड़ी का नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, BR06PB5434, ये नंबर ऑटो के नाम पर रजिस्टर्ड है और उस नंबर पर गाड़ी चल रही है, बोलेरो गाड़ी चल रही है और वो भी पार्टी का प्रचार कर रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो इन दिनों यूपी चुनाव में खासे सक्रिय हैं, यूपी में जो है वो लगातार हवाई दौरे करने वाले हैं, कार्यक्रम तय हो गया है। इस बीच ये बड़ा बवाल हो गया बिहार के अंदर, गाड़ी जो प्रचार की गाड़ी चली थी प्रचार करने मुकेश सहनी का, पकड़ी गई और अब पोल पर पोल खुलते चले जा रहे हैं। तो गाड़ी के जो पार्टी का प्रचार गाड़ी है, शायद इस गाड़ी को पुलिस भी छूने की हिमाकत नहीं करती, लेकिन गाड़ी ऐसी जगह जाके टकरा गई कि अब तो उसकी सारी कुंडली खंगाली जा रही है। और गिरफ्तार चालक जो है शैलेंद्र कुमार, जिसका नाम है, जो बताया जा रहा है जो नशे में धुत पाया गया, वो कल गिरफ्तार किया गया था, उसने ये बातें बताई हैं। उसके से पूछताछ में ये तमाम बातों का खुलासा हुआ है और अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है, यानी अब ऑटो के नंबर पर वीआईपी की प्रचार गाड़ी चल रही थी, वीआईपी गाड़ी पर ऑटो का नंबर था। जी हाँ, मुकेश सहनी की वीआईपी गाड़ी पर, वीआईपी उनका प्रचार पार्टी है और विकासशील इंसान पार्टी, उसकी गाड़ी ऑटो के नंबर पर चल रही थी। जी हाँ, तो अब शास्त्री नगर थाना क्षेत्र जो में ये घटना घटी थी, उसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है और अब छानबीन चल रही है। तो कल तो नशे में धुत ड्राइवर मिला, शराबबंदी की धज्जियाँ भी उड़ गई, उसके अलावा जो मोटर व्हीकल कानून है उसकी धज्जियाँ भी उड़ा दी गई और जिस तरह से ड्राइवर नशे में धुत था, तो ये भी पता चल रहा है कि जो प्रचार गाड़ी होती है, पार्टियों की गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस उसे छूने की भी हिम्मत नहीं करती है, यानी तमाम झोलझाल जो है वो मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। पार्टी का भी दोष माना जा सकता है क्योंकि पार्टी ने जिस प्रचार गाड़ी को हायर कर रखा है, जिससे प्रचार किया जा रहा है पार्टी का, उसमें इतनी सारी गड़बड़ियाँ, बड़ा सवाल है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।